हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत बहुत स्वागत है आपके एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिना पता चले किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस कैसे देखे। दोस्तों, आप भी अपने फोन में सेटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति का स्टेटस देख ले और उस व्यक्ति को पता ना चले कि आपने उसका व्हाट्सअप स्टेटस देख लिया है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिना पता चले आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस आसानी से देख सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका व्हाट्सअप स्टेटस देख लिया है। तो दोस्तों, कैसे आप इस सेटिंग को अनेबल करेंगे और कहां पर आपको इस सेटिंग मिलेगी, तो सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। और कहीं भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे मिलेगा सेटिंग्स, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्राइवेसी। सिंपली आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी रेड रिपिस्ट के नाम से। अब दोस्तों, आपकी जो सेटिंग रहेगी ऑफ रहेगी, इस तरीके से आपकी सेटिंग ऑफ रहेगी, लेकिन आपको सेटिंग को एनेबल करना है यानी ऑन करना है। और जैसे आप इसको ऑन करेंगे, अब सामने वाले व्यक्ति का व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे तो उसको पता नहीं लगेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया है। अब दोस्तों, इसी तरीके से आप व्हाट्सएप पर बिना पता चले किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है सेटिंग को एनेबल कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नई वीडियो के साथ, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।